अस्सलाम वालेकुम जी, हम मौजूद हैं इंडिगो हाइट्स जो कि एक 4-स्टार खूबसूरत प्रॉपर्टी है लाहौर की, यहाँ पर। और यहाँ पे आपको अंदर चल के दिखाते हैं कि प्रॉपर्टी कैसी है और यहाँ पर खाने कैसे कैसे हैं। तो फूड कहानी में खाना भी होगा और प्रॉपर्टी भी होगी, जगह आपको दिखाते हैं, चले मेरे साथ अंदर। अरे भाई उधर को नहीं जाना, इधर को आना है मेरे भाई। अच्छा ये रास्ता? हाँ ये रास्ता भाई। अच्छा जी, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इंडिगो हाइट्स के एग्जीक्यूटिव शेफ। एग्जीक्यूटिव शेफ एक बहुत बड़ी हस्ती होती है किसी भी होटल में। इनका कमाल होता है कि इन्होंने लोगों को मज़े मज़े के खाने खिलाने होते हैं और काबू में करना होता है ताकि वो दोबारा आएँ। तो हम इनसे पूछते हैं जी, ये क्या क्या मज़े की चीज़ें खिलाते हैं इंडिगो हाइट्स में, आप हमें क्या मज़े की चीज़ें खिला सकते हैं? मज़े की चीज़ें खिला सकते हैं यार, आपने देसी खाना खाना है ना, तो आपको स्काई से बेस्ट ऑप्शन नहीं मिलेगी। पाकिस्तानी देसी खाना पसंद करते हैं जो लाहौरीज का दिल है आई विल से, और उसके लिए आप स्काई यू शुड ट्राई, विच इज़ आवर बेस्ट इन आई विल से इन लाहौर। फाइन डाइनिंग and you will try continental western food with the imported steaks, sirloin, pink salmon and everything what you wish to for continental cuisine. पास लामा ऐसा बुफे आउटलेट है जो ग्राउंड फ्लोर पे है, जहाँ पे आपको हाई टी, लंच बुफे, डिनर बुफे एंड ब्रेकफास्ट की एक लेविश जो वैरायटी मिलेगी, जिसमें आपको पास हलवा पूड़ी, पाया और इस किस्म की चीज़ें हैं। तो आई थिंक हमें कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है, एंड दैट इज़ द बेस्ट चॉइस वेयर वी विल फाइंड ए टू जेड आइटम्स लाइक यू नो कॉन्टिनेंटल, देसी, पाकिस्तानी, ब्रेकफास्ट, डिनर बुफे एंड व्हाट मोर यू वांट, आई डोंट नो। कमाल है भाई। लो जी, तो अगर ये हमारे कैमरे के पीछे एक दाढ़ी वाला भाई होता है, ये इसका नाम है अरसलान। अरसलान यार, तू और मैं दोनों पेटू हैं, हमारे पेट बहुत बड़े बड़े हैं, तो यार ये तो हमें ट्राई करना लाजमी है भाई। तो हमने यहाँ पे खाना खा के चेक करना है भाई, ठीक हो गया? अस्सलामुअलैकुम जी, इंडिगो हाइट्स के जनरल मैनेजर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी सादत है कि हम इनसे मुलाकात भी कर रहे हैं, और नंबर टू ये कि हम इनसे सीखने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि मैं भी इस इंडस्ट्री से रहा हूँ तो मुझे इनसे सीखने का मौका मिल रहा है, तो मैं इस बारे में बहुत खुश हूँ। अच्छा, जो मैं पूछना चाह रहा हूँ सर से, वो ये इतना बड़ा पेंडेमिक गुजरा है, इसके बाद क्या हालात बन चुके हैं और आप क्या समझते हैं कि हमारी इंडस्ट्री में क्या क्या कुछ होना चाहिए? अब थैंक यू वेरी मच अवैस कि आपने टाइम निकाला और इस इंडस्ट्री के बारे में कोई इतना सीरियस हुआ है कि वो इसके बारे में सोचे, क्योंकि थ्रू आउट द पेंडेमिक तो बाकी इंडस्ट्री से बाहर शरीर खुद ही नहीं, लेकिन वी आर द लास्ट वन टू ये कि जो पेंडेमिक के नुकसान हैं दुनिया में बहुत ज़्यादा हुए हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली जो ट्रैवल, टूर और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है वो बहुत बुरी तरह मुतासर हुई है, और दिस इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट पार्ट के हॉस्पिटैलिटी से बहुत सारी सोल्स एफिलिएटेड हैं
और उसी तरह उन सोल्स के साथ उनकी फैमिलीज एफिलिएटेड हैं जो सफ़र हुई हैं 5 महीने रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली SOPs ऐसे थे और जो ज़रूरी भी थे कि हमें उनको फॉलो करना पड़ा, जिसकी वजह से हम वो कुछ नहीं कर पाए जो हम करना चाहते थे। अच्छा जी, मैं सर से ये पूछना चाह रहा हूँ, जो हम सब यंगस्टर्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है वो ये कि हम लोग कोर्सेज करके डिग्रीज करके मार्केट में निकलते हैं और हमें नौकरी नहीं मिलती, तो सर जी आप हमें नौकरी देने के लिए क्या करेंगे? बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि मैं खुद होटल क्वालिफाइड हूँ। मैंने स्विट्ज़रलैंड से अपनी होटल मैनेजमेंट की थी आफ्टर माई MBA, और हम भी बड़े ख्वाब लेके गए थे और ख्वाब लेके वापस आए थे, मगर जब आए थे तो इस मार्केट से हमें अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था और ना तो वो जॉब मिल रही थी जो हम चाह रहे थे, जिसके लिए हम पढ़े थे, और ना ही वो सैलरी मिल रही थी। मगर अब माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है फॉर द यंगस्टर्स जो अब इस फील्ड में पढ़ के आ रहे हैं, स्पेशली पढ़ के आ रहे हैं। सबसे पहले तो उन्होंने अपने आप को एवेल्युएट करना है कि उनका DNA हॉस्पिटैलिटी वाला है या नहीं है, इस तरह ख्याल रखते हैं। सो दैट DNA इज़ अ मस्ट। सो अगर कोई बच्चा या बच्ची इस इंडस्ट्री में आना चाहती है, वो अपने आप को असेस करे, एवेल्युएट करे। पहले दिन से टाई कोट पहन के मैनेजर बनने के ख्वाब अगर हैं तो फिलहाल वो ना देखें। यू हैव टू गो थ्रू द बेसिक्स, लर्न द बेसिक्स, लर्न द एक्सपीरियंस, एंड ये इंडस्ट्री आपको बहुत ऊपर लेके जाएगी। अब बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं जी। हमें ये तो बताएं कि हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए क्या फ़वाद हैं जो आना चाह रहे हैं इस इंडस्ट्री में, आप उन्हें हमारे हवाले से कुछ जॉब शॉप बताएं, जॉब क्रिएशन कैसे कर रहे हैं सर? जॉब क्रिएशन से बहुत हो रही है। एक काली रात थी जो गुजर गई है, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि 10 अगस्त से ऑनवर्ड बिजनेस रिवाइव कर रहा है, उसी तेज़ी से अपॉर्चुनिटीज निकल रही हैं। अब मैं अगर आपको अपने होटल के एग्जांपल दूँ तो हम एक रेस्टोरेंट खोलने जा रहे हैं, नया रेस्टोरेंट खोलने जा रहे हैं। लोग पूछेंगे यार इतना बुरा टाइम गुजरा आप नया रेस्टोरेंट क्यों खोल रहे हैं? सो वी आर अवेलिंग दैट अपॉर्चुनिटी, और ऑब्वियसली हमें उसके लिए स्टाफ चाहिए। तो मैं एग्जांपल दूंगा कि हमने इसी पेंडेमिक के दौरान 2 से 3 छोटी कंपनियां विद इन दी होटल लॉन्च की, नहीं अपनी टीम रखेंगे, हमारे पेरोल पे वो टीम होगी एंड दे विल बी रनिंग दैट यूनिट्स इंडिपेंडेंटली। उसी तरह हमने एक काम शुरू किया था, क्योंकि ड्यूरिंग द पेंडेमिक लोग बड़े हेल्थ कॉन्शियस हो गए हुए थे, तो जिस तरह एलोपैथी से होम्योपैथी की तरफ कन्वर्ट हो गए थे कई लोग, हकीम की तरफ चले गए थे, उसी तरह लोग नॉर्मल खानों से ऑर्गेनिक की तरफ चले गए थे। तो हमने इसी दौरान एक इंडिगो ऑर्गेनिक के नाम से कंपनी लॉन्च की। सिमिलरली हमने अपने कुछ लोगों से उस कंपनी को शुरू करवाया, चलाया, अब वो एक अच्छा खासा यूनिट बन चुका हुआ है। अप्लाई कैसे किया जाए सर, ये भी बता दें। अप्लाई के 2-3 तरीके हैं। अगर तो आपका प्लेटफॉर्म कैन हेल्प अस फॉर दैट, आपके सब्सक्राइबर जो कि इंटरेस्टेड हों और आप हम उनको रूट कर सकें हमारे तक, हमें ये ईमेल जो है ये नीचे यहाँ पे नज़र आ जाएगा जी आपको, ये ईमेल एड्रेस आपको मिल जाएगा। आप अप्लाई करेंगे तो यू विल बी कॉल्ड अपॉन फॉर एन इनिशियल असेसमेंट एंड देन इट गोस ऑन। सर जी हमें ये बताएं कि हमारे सब्सक्राइबर अगर आपके पास आते हैं तो उन्हें कोई छूट देंगे पैसों में या नहीं? वैसा आप आ गए असल सवाल की तरफ। हाँ बड़े तेज हैं आप यार। अच्छा एनीवे, अरे इट विल बी माई प्लेयर। हमारी कुछ फैसिलिटीज़ हैं, हमारे रेस्टोरेंट्स हैं जैसे स्काई है रूफटॉप, स्काई एट द 17th है जो हम लॉन्च करने जा रहे हैं, जो 17th फ्लोर पे है। जो स्काई है वो हमारा पाकिस्तानी किचन है। स्काई एट 17 मल्टी कुजीन है। हमारा लमासा रेस्टोरेंट है जो लॉबी में है और इट्स अ कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट कम कॉफ़ी शॉप, पर्पल कैंडी हमारी पेस्ट्री शॉप है। सो उसके अलावा हमारे रूम्स हैं। सो जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं, जो आपके डायरेक्ट फॉलोअर्स हैं, इंडिगो ऑन बिहाफ ऑफ इंडिगो होटल मैनेजमेंट आई वुड बी लेवरेज टू एक्सटेंड सम रीजनेबल डिस्काउंट, सब्सिडी उनको ज़रूर दी जाएगी। वो डाइन आउट करना चाहें, वो ठहरना चाहें अपनी फैमिली के साथ, तो आई बी हैप्पी टू अकोमोडेट देम ऑन वेरी डिस्काउंटेड रेट्स इंशाल्लाह, जो कि आने वाले दिनों में आपकी साइट पर, आपके यूट्यूब चैनल पर डिस्प्ले भी हो जाएंगे, तो आप उसको अवेल कर सकते हैं। और हमें खुशी होगी कि हम आपके फॉलोअर्स को यहाँ पे एंटरटेन करें ऑन डिस्काउंटेड रेट्स। थैंक यू सो वेरी मच सर, सो नाइस टू मीट यू।